नंगल दे वार्ड नंबर एक की गल करिए तां नंगल दे वार्ड नंबर एक दे विच सीवरेज का मुद्दा फिर तो गरमा गया है। तलवाड़ा बरमला की नवी आबादी दे विच सीवरेज ना होने दे कारण एक वेलफेयर सोसायटी वालों जल्द ही मरण वर्त फिर तो शुरू किया जाएगा। सोसायटी की महिला विंग की प्रधान सपना चंदेल ने दसा कि करीब 3 महीने पहला सोसायटी ने बकायदा भुख हड़ताल रख के लोगों की इस समस्या के संबंध में आवाज उठाई थी, जिस तो बाद नगर प्रशासन ने मौके पर पहुँच के 1 महीने के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू करवाने का आश्वासन दिता सी ते भुख हड़ताल खत्म किया सी। पर इन्ना लंबा समा बीत जाने तो बाद अज तक काम शुरू नहीं हो सकिया। उन्होंने कहा कि सीवरेज विभाग वालों इस संबंध के एस्टीमेट तैयार करने लिए लोड़ींदा डॉक्यूमेंट जिमें नक्शा आदि कौंसल तो मंगे गए सन, पर अजे तक उन्होंने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाए गए, जिसके चलते वह मजबूरन वश होकर हूँ फिर तो प्रोटेस्ट करने तैयार हो गए हैं। नंगल तो पंजाब टीवी लिए राकेश राणा के नाल अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। नंबर 1 में तलवाड़ा के पास जो केशव नगर है ब्रह्मले गांव में कम से कम 135 से 150 घर को सीवरेज की सुविधा नहीं है। इस मुद्दे को लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये हम कम से कम 6 महीने से हमारा संघर्ष चल रहा है। इसके रिगार्डिंग हमने अगस्त महीने में भूख हड़ताल करी थी हमारी सोसाइटी ने यहाँ पर। फिर अगस्त महीने में यहाँ पे ईओ ने और प्रशासन ने आकर हमें बोला कि आप अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करो, हम आपका जो प्रोजेक्ट है ये 3 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी तक किसी ने भी, या तलवाड़ा की जो पंचायत है उन्होंने, पंचायत ने हमें पूरा वादा किया था कि हम जल्द से जल्द इसका मता डालेंगे, और एसडीएम मैम ने भी हमें पूरा आश्वासन दिया था। अभी हम 4 तारीख को उनसे लास्ट वीक नहीं दिस मंथ इसी मंथ हम मिलके आए हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आपका काम हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई भी अधिकारी या एसडीएम मैम आगे कुछ भी कदम उन्होंने उठाया हो कि ये काम शुरू किया जाए। अभी तक ऐसा कुछ हमें पुष्टि नहीं हुई है इस बात की। हाँ जी, 15/9/2020 को सीवरेज बोर्ड ने कौंसिल को लेटर लिखा था कि हमें इस ज़मीन की निशानदेही करके दी जाए ताकि हम अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर सके। इसके बाद कौंसिल ने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने 11/11/2020 को अभी एक लेटर फिर से दिया है कि आप हमें क्यों नहीं जगह दे रही हैं कि हम अपना सीवरेज का काम यहाँ पर शुरू करें। लेकिन अभी तक कौंसिल ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। सीवरेज बोर्ड के अधिकारी तो काम तब करेंगे ना जब कौंसिल उनको जगह देगी। कौंसिल उनको जगह दे ही नहीं रही है, ना ही बता रही है कि वो कहाँ पे काम शुरू करा जाए। ये तो जो यहाँ की कौंसिल है या एसडीएमएम है यहाँ के लोगों को धोखा दे रही है, मूर्ख बना रही है। वो आश्वासन दे के उन्होंने हमें पहले भी उठा दिया कि हम आपको पूरा आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कदम पता नहीं वो मूर्ख क्यों बना रहे हैं। जब उनको पता है कि ये जो जगह कौंसिल के हद में आ गई है उसकी जो मालिक है वो कौंसिल ही है, अब फिर उनको क्यों वो डिले कर रहे हैं, आगे से आगे हमें टाइम देते जा रहे हैं। ये तो उन्हीं को पता होगा वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। या तो उनकी नीयत नहीं है काम करने की, यहाँ जगह देने की। हमें 4 तारीख को गए थे एसडीएमएम के पास, तो उन्होंने एकदम से पहले तो हमें वहाँ पे उन्होंने 3 घंटे वेट कराया। उसके बाद वो हमें मिली वहाँ पर, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आप जाइए और आपका ये काम 1 महीने के अंदर मैं स्टार्ट करवाऊंगी। लेकिन अभी आज आप 4 तारीख से देख लो, आज ये 21 तारीख हो गई है, 22 तारीख, अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि भाई काम का कुछ दिखे तो सही हमें कि शुरुआत हुई है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब क्या मांग है आपकी? हमारी तो यही मांग है कि वहाँ पे जल्द से जल्द उन लोगों को सीवरेज की सुविधा दी जाए। अगर ये काम नहीं शुरू किया गया तो हमारी सोसाइटी के मेंबर्स, हम वहाँ पे भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे, मरण वर्त के लिए बैठेंगे। अब हम तभी उठेंगे, आश्वासन में बिल्कुल नहीं उठेंगे, तभी उठेंगे जब हमें लिखित में या हमारे सामने ये काम शुरू किया जाएगा सीवरेज का, तब हमारी भूख हड़ताल वहाँ पर ख़त्म। ऑस्ट्रेलिया 1 सेमेस्टर की फीस 4 लाख रुपया, लेवल 1 इंस्टीट्यूशन, आईलेट्स रिक्वायर 5.5 बैंड, एनपीटी रिक्वायर 50। अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो व्हाट्सएप उत्ते, 10 दिनों के अंदर अपनी फाइल लगवाओ एम्बेसी। थैंक यू।